सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। और आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। तो हम लोग आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल करियर वाले पेज पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं 20 अगस्त को इसकी ये नोटिफिकेशन निकाला गया है इस इंटर्नशिप का। तो इसके सारे डिटेल्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोग बताना चाहूँगा, इस चैनल पर आपको इंटर्नशिप हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, वर्क फ्रॉम होगा, सभी तरह के एजुकेशन वीडियोज़ मिलते रहता है। तो इसके लिए आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग इस पेज पे आएंगे। आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट वाले सेक्शन में आप लोग आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, सिटी वाइज, प्रोफेशन वाइज, डिसिप्लिन वाइज आप लोग इंटर्नशिप को फिल्टर कर सकते हैं। ओके, तो जैसे आप लोग यहाँ पे इंडिया और इंटर्नशिप यहाँ पे डालते हैं तो आप लोग देख पाएंगे कंसल्टिंग सर्विस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर एक इंटर्नशिप है, डेटा साइंस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये सब रिसेंट इंटर्नशिप्स है। तो हम लोग बात करने वाले कंसल्टिंग सर्विस इंटर्नशिप के बारे में। तो जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो सारे डिटेल्स को आप लोग रीड कर सकते हैं। जैसे ये जो है 20 अगस्त को आया था, प्रोफेशन जो है कंसल्टिंग का काम होने वाला है। बेसिकली आपको कस्टमर से कंसल्ट करना होगा। आगे हम लोग सारे रोल को भी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रोल टाइप इंडिविजुअल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इंडिविजुअली आप लोग यहाँ पे वर्क कर पाएंगे। इंप्लॉयमेंट टाइप इंटर्नशिप ये होने वाला है। और वर्क साइट फ्लेक्सिबिलिटी में आप लोग देख पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑन साइट ओनली। यहाँ पे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट की कुछ डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। जैसे ये अपॉर्चुनिटी निकालते रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिससे वो स्टूडेंट जो इंपावर हो सके, अपने गोल्स को अचीव कर सके, कुछ नए स्किल्स को सीख सके। इस इंटर्नशिप के बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहला तो आपको माइक्रोसॉफ्ट के साथ वर्क करने का मौका मिला है। दूसरा, यहाँ पे जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर आपको काम करने का मौका मिल रहा है। इसके साथ ही कम्युनिटी कनेक्शन हो गया, एग्जीक्यूटिव एंगेजमेंट, मेमोरेबल इवेंट्स, ये सब कुछ आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिल सकता है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज की हम लोग बात करें, क्या क्या आपके यहाँ पे रोल होने वाला है। तो सबसे पहला, एज अ एसोसिएट कंसल्टेंट इंटर्न आपको यहाँ पे कुछ नई चीज़ों को डेवलप करना हो सकता है, इंप्लीमेंट करना हो सकता है, कुछ डिजाइन करना हो सकता है। और माइक्रोसॉफ्ट के जो भी कस्टमर्स उनसे आपको कॉन्टेक्ट करना हो सकता है। हम लोग बात करें स्किल्स के बारे में, क्या क्या स्किल्स यहाँ पे नीडेड है। तो सबसे पहला तो टेक्नोलॉजी में आप इंटरेस्टेड होने चाहिए। दूसरा, आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए जिसे दूसरे को आप इन्फ्लुएंस कर सके, इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके किसी भी रोल को लेके। इसके साथ ही गुड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक रिलेशनशिप जो होता है वो होनी चाहिए टेक्नोलॉजी और बिजनेस में। साथ ही आप लोग यहाँ पे कुछ एनालिटिकल प्रॉब्लम स्किल्स है और भी कुछ यहाँ पे स्किल्स है, इसको भी आप लोग रीड कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर ले कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप लोग बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस हो गया, या फिर किसी भी अदर इंजीनियरिंग के फील्ड में आप लोग इनरोल्ड हैं और आपके रिसेंट एग्जाम में 10 out of 8 CGPA है, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। शुड बी ग्रेजुएटिंग इन द ईयर 2024। तो अगर आप लोग 2024 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं तो आप लोग एलिजिबल होते हैं। गुड टू हैव माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशन, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो अज्योर सर्टिफिकेशन होता है, अगर आपके पास ये तो आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही इंग्लिश बोलना और लिखना यहाँ पे अच्छे से आना चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए मार्केट के ऊपर, कस्टमर्स के ऊपर और रिलेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये कुछ यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। नीचे आप लोग बेनिफिट्स एंड पॉक्स को देख सकते हैं, लाइक इंडस्ट्री लीडिंग हेल्थ केयर गिविंग प्रोग्राम्स, डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अपॉर्चुनिटी टू नेटवर्क एंड कनेक्ट, तो ये सब कुछ आप लोग को मिलने वाला है। इसमें अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ साइन इन करना होता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट है तो माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से कर सकते हैं, या फिर साइन इन विद गूगल भी कर सकते हैं। उसके बाद कंसल्टिंग सर्विस इंटर्नशिप का एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसको आप लोग फिलअप करके अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे। लाइक यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड करना होता है, नीचे कुछ पर्सनल डिटेल्स है, नेम, एड्रेस, वेबसाइट वगैरह तो कोई आप डाल सकते हैं, स्कूल, यही सब कुछ क्वालिफिकेशन आपको डालना होता है। ये सब फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आई रही टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके, कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ले, क्योंकि यहाँ पे सीट्स जो है काफी लिमिटेड हो जाती है, कभी भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लोज हो सकता है। और भी काफी सारे इंटर्नशिप यहाँ मिल जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के करियर वाले पेज पे, इसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं। तो बस आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छी लगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियोस के लिए। मिलते हैं जल्दी आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।